आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं एरॉन्स कंपनी के प्रो 6 चैनल मिक्सर का AMX6U, और इसकी MRP कुछ 12,000 रुपये दी गई है, 12,000 रुपीज़। फटाफट से इसको खोल लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है इसके साथ में। तो ऐसा खुलता है इसका कवर और अंदर है, सबसे पहले है यूज़र मैनुअल जो आप देख सकते हैं यहाँ चिपका हुआ है, को निकालते हैं पहले। तो उसके साथ में लीड भी दिख रहा है, तो ये यूज़र मैनुअल के साथ लीड भी आ गया, और ये USB to USB केबल दिया गया है। एक बार अच्छे से देख लेंगे इसको, और ये AC केबल दिया गया है, 2-पिन प्लग वाला AC केबल, ये देखिए जो नॉर्मल हर मिक्सर के साथ रहता है वही AC केबल दिया गया, लेकिन इसमें 2-पिन वाला है, नॉर्मली 3-पिन वाला रहता है। और ये इसका पीछे का हिस्सा, और इसके बाद हम देखते हैं ये USB 2 क्या दिया है। ओ, USB to USB ही दिया है, ये देखिए यहाँ भी USB है, और दूसरा साइड कहाँ गया, हाँ यहाँ भी देखिए USB to USB दिया गया है। मैं सोचा थोड़ा सा जो कंप्यूटर से कनेक्ट करने वाला लीड होगा वो नहीं है। और ये देखिए सामने का हिस्सा, गेन दिया गया है, 6 माइक है, आप 48 वोल्ट सप्लाई भी चला सकते हैं 6 माइक में। तो यहाँ इको भी सेट कर सकते हैं आप, ये FX का स्विच बटन दिया गया है ऑरेंज कलर वाला, और हाई मिड लो पेन EFX यानी FX दिया गया है। आप पर चैनल को म्यूट भी कर सकते हैं, ऑक्स दिया गया है, हेडफोन लगाने का ऑप्शन है, और पर चैनल आप 48 वोल्ट सप्लाई बना सकते हैं, गेन हाई मिड लो और सबका लेवल के लिए। स्लाइडिंग वाला भी दिया गया है। इसके बाद इसका पीछे वाला हिस्सा देख लेते हैं, ये साइड वाला हिस्सा है प्रो मिक्सर ऐसे लिखा गया है। तो अब पीछे वाला हिस्सा देखते हैं, अरे तो ये है पावर ऑन ऑफ बटन प्लग लगाने के लिए, XLR आउट है, XLR माइक का इन है, और जैक वाला लाइन के लिए इन है। तो ऐसा ऑप्शन दिया गया है, और 16 डिले दिए गए हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे वो FX वाले सेटिंग में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, वो जो डिस्प्ले में दिखेगा आपको। फटाफट से इसकी वायरिंग कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। AC केबल थोड़ा सा ज़्यादा टाइट लग रहा, तो इसको ऑन करते हैं, और मैं जैक टू जैक यूज़ करने वाला हूँ इसके आउटपुट के लिए, और मैं स्टूडियो मास्टर का Mini 6U से इसको कनेक्ट कर दूँगा, और मैं आउजा का 511 नंबर वाला माइक यूज़ करो। इसकी वायरिंग कर लेते हैं, पीछे पहले वाला जो नंबर माइक है उसमें मैं लगा रहा हूँ, और इसको भी फिर सुन के देख लेंगे कि कैसी आवाज़ आ रही है इसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो इधर है, इधर नहीं, ओह ये प्रोग्राम वाला है। हेलो डिजिटल इको है इसमें। हेलो हेलो, ये मैं घुमा रहा हूँ इसको, और इसके बाद इसको एक बार प्रेस करना है। हेलो, तो जो भी आपको लगे आप उसको सेट कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो। तो कुछ ऐसा फंक्शन दिया गया, ये फिर हेलो हेलो
हेलो हेलो, 1 2 3, हाई मिड लो तीनों दिए गए हैं, ऑक्स भी लगा सकते हैं, पेन का भी ऑप्शन दिया गया है और आप म्यूट तो कर ही सकते हैं। और 48 वोल्ट 6 माइक में, अगर आप 6 में से 6 माइक 48 वोल्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, रिकॉर्डिंग सब दिया गया है इसमें। तो अभी पेन ड्राइव भी इसमें चला के देख लेते हैं। 1 2 1 2 3, अब इसमें पेन ड्राइव लगा लेते हैं और देख लेते हैं कैसी आवाज आ रही है इसमें से। एक ही गाना है अभी इसमें, सुन लेते हैं। अब इसमें रिकॉर्डिंग मोड भी दिया गया, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो शायद। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया, ये बटन को मैंने एक बार दबाया। हेलो हेलो, 1 2 3, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, हेलो, 1 2 3 4, हेलो। तो ऐसे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब अगर इसको सुनना है तो कोई बार और दबाएंगे तो शायद पॉज हो जाएगा, और ये फिर से अब रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैं कल से फिर से मोड दबाता हूँ तो ये तो ये रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया, ये बटन को मैंने एक बार दबाया। हेलो हेलो, 1 2 3, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, हेलो, 1 2 3 4, हेलो। तो ऐसे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब अगर इसको सुनना है तो बराबर, और ये फिर से अब रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैं कल से फिर से मोड दबाता हूँ। अब हम इसके मोड बटन को दबा के ब्लूटूथ में सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, नो और ब्लूटूथ दो आता है। उसके बाद फटाफट से मोबाइल में सर्च कर लेंगे, ब्लूटूथ ऑन करना है, और सर्चिंग में आ जाएगा। कहाँ गिरे, ये देखिए, यह उजाला दिखा रहा है पहले जो वीडियो बनाया था, और ये WNALDO से कनेक्ट हो चुका है। फटाफट से NCS का गाना चला लेते हैं और सुन लेते हैं कैसी आवाज आ रही इसमें से। यहाँ से आप FX बंद चालू कर सकते हैं और यहाँ से पर चैनल को म्यूट कर सकते हैं। तो ऐसा लाइट जल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। और वैसे ये मिक्सर उन लोगों के लिए जिनको 48 वोल्ट सप्लाई चाहिए, रिकॉर्डिंग करना है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और DJ वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे इको के फंक्शन भी दिए गए हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय।